चलिए दोस्तों, मेरा नाम है मित्र, स्वागत है आप सभी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर पोको एक्स फाइव 5G जो है जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और यहाँ पर हिमांशु टंडन जो पोको इंडिया के हेड है, उन्होंने यहाँ पर इनके बॉक्सेस को जो है लीक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक पोस्ट डाला था यहाँ पर ट्विटर के ऊपर, जिसमें यहाँ पर दो बॉक्सेस दिख रहे हैं और दोनों ही बॉक्सेस के ऊपर पोको एक्स फाइव 5G लिखा हुआ है। अब ये स्मार्टफोन कैसा है, क्या ये स्मार्टफोन लेने लायक है भी? हालांकि अभी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ, बट इसकी सारी स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। कब तक आ सकता है, कितना प्राइसिंग, वो सब इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक करिए, चैनल को यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी के टाइम में तो आप सभी जानते हैं कि रिब्रांडिंग किंग के नाम से यहाँ पर फेमस हो चुका है पोको, क्योंकि इसके जितना रिब्रांडिंग अभी पिछले 2-3 सालों में कोई कर ही नहीं रहा है। हद होती है एक रिब्रांडिंग की भी, और रिब्रांडिंग पे रिब्रांडिंग यहाँ पर चल रहा है। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो पोको एक्स फाइव 5G के अंदर आपको डिस्प्ले जो दिया जाएगा 6.6 होनी चाहिए, फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड रहने वाली है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट रहेगी, कॉर्निंग ग्रो ग्लास 5G प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, और साथ में जो है आपको यहाँ पर पंचोल वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, सेंटर पंचोल रहने वाला है। बात करते हैं बैक डिजाइन की। तो पोको का टिपिकल बैक डिजाइन यहाँ पर रहने वाला है, जो कि चाहे आप उनकी एक्स सीरीज ले लो, एम सीरीज ले लो या सी सीरीज ले लो, जैसा वो बड़ा सा कैमरा लेआउट रहता है ना, वैसा ही डिजाइन रहने वाला है। क्योंकि रिब्रांडिंग ही इतना कर दिया कि दिमाग तो अब चलता नहीं कि कुछ नया डिजाइन यहां पर किया जाए, वही बड़ा सा डिजाइन वहां पर जो है कैमरे का लेआउट आ जाता है, और बस वो नीचे सारा प्लेन रहता है। तो कुछ भी डिजाइन तो ये लोग कुछ करते ही नहीं है, इनोवेशन या कोई R&D के ऊपर इन लोगों का कोई खर्चा ही नहीं है यहां पर। बस क्या करना है कि रेडमी के फोन्स को रीब्रांड करना है, पीछे बड़ा सा वो कैमरा मॉड्यूल कर देना है और वहां पर पोको लिख देना है, बस यही इनका डिजाइन चलता है, वही चीज रहने वाली है। प्लास्टिक बैक डिजाइन यहाँ पर रहेगा, पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल यहाँ पर यूज होने वाला है, तो ग्लास बैक नहीं है, फ्रेम्स भी यहाँ पर प्लास्टिक का रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर कौन सा होगा, तो स्नैपड्रैगन 695 जो है इसके अंदर डाल के दिया जाएगा, जो कि हमें ऑलरेडी पोको X4 प्रो 5G के अंदर देखने को मिलता है। सेम वही प्रोसेसर इसके अंदर रहेगा, स्नैपड्रैगन 695, जबकि रेडमी नोट 12 5G में जो है आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 मिलता है, और स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 से थोड़ा सा बेटर है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 695, तो वही प्रोसेसर यहाँ पर डाल के दिया जाएगा। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के UI के बारे में, तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13 बेस्ड Android 12 के ऊपर स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि रेडमी नोट 12 5G का रीब्रांड है, Redmi Note 12 5G में MIUI 13 पर लॉन्च किया गया, तो इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको जो है MIUI 13 बेस्ड Android 12 के ऊपर ये स्मार्टफोन मिलने वाला है। बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो कैमरा भी इसके यहाँ पर डिसेंट रहने वाले हैं। जी दोस्तों, 48MP का प्राइमरी कैमरा होगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का फालतू का लेंस, और फ्रंट में आपको जो है 13MP की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। कैमरा डिसेंट है, जैसे कि रेडमी नोट 12 5G का डिसेंट सा कैमरा है ना, एवरेज टाइप का, तो वैसा ही कैमरा आपको यहाँ पर पोको के एक्स फाइव 5G के अंदर भी देखने को मिलने वाला है, तो कैमरा भी यहाँ पर एवरेज रहने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, और 33 वोल्ट के चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा, और चार्जर भी जो है आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं अदर फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएगा, 3.5 का हेडफोन जाएगा, टाइप सी का पोर्ट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और साथ में जो आपको आयर ब्लास्टर एंड नॉइज कैंसिलेशन माइक भी देखने को मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइसिंग एंड इंडिया लॉन्च के बारे में। दोस्तों यहाँ पर इसकी इंडिया लॉन्च जो है आप सभी को लगभग 14 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर पोको एक्स फाइव 5G का ऑफिशियल जो बॉक्स है ना, वो यहाँ पर पोको के इंडिया हेड जो है यहाँ पर हिमांशु टंडन, उन्होंने इस बॉक्स को भी लीक कर दिया। आप स्क्रीन ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है ना दो बॉक्स रखे, और दोनों ही बॉक्स जो है यहाँ पर पोको एक्स फाइव 5G के है। तो पोको एक्स फाइव 5G का जो है यहाँ पर ये दोनों डिवाइस आप सभी के बॉक्स भी यहाँ पर लीक कर दिए गए हिमांशु टंडन के द्वारा। हालांकि ये डिवाइस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो हाइप क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर कुछ ऐसा नया नहीं है जो कि आप इसके यहाँ पर शिफ्ट कर सको या ये स्मार्टफोन ले सको। ऑलरेडी इससे बेटर जो है पोको X4 प्रो 5G देखने को मिलता है, इसमें ग्लास बैक है, बेटर चार्जिंग स्पीड है, ऑप्टिमाइजेशन भी बेटर है, और बेटर कैमरास भी यहां पर मिल जाते हैं। बट उस लेवल का जो है पोको X4 प्रो 5G भी आपको लगभग 17-18 हज़ार में मिल जाता है ना, तो ये वाला स्मार्टफोन भी है लगभग 17-18 हज़ार में लॉन्च किया जाएगा। 6GB 128GB, 8GB 128GB, दो ही वेरियंट्स आने वाले हैं। बेस वेरियंट 6 128 रहेगा, वो आपको जो है 18 हज़ार तक यहाँ पर इंडिया में देखने को मिल जाएगा, विदाउट ऑफर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और ऑफर्स लगा के हो सकता है कि आपको 16.5 हज़ार तक में देखने को मिल सकता है ये स्मार्टफोन। बट मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कुछ इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है इस स्मार्टफोन के अंदर, तो आप लोग जो है थोड़ा देख लीजिएगा, अगर आपको लेना हो तो आप ये स्मार्टफोन ले सकते हो, बट इससे बेटर मैंने आपको बता दिया पोको X4 प्रो 5G अवेलेबल है, और यहाँ पर जो है अपडेट्स की हालत इसमें भी वैसी रहेगी, कोई इसमें आपको 4 साल तक अपडेट्स नहीं दे पाएंगे ये लोग जैसे रेडमी नोट 12 5G है उसमें 4 साल के अपडेट्स है, बट पोको वाले जो है 3 ही साल के आपको अपडेट्स यहाँ पर देने वाले हैं, और बाकी तो पोको लॉन्चर होने ही वाला है इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ है यहाँ पर पोको एक्स फाइव 5G का। वैसे इस डिवाइस का कोई सेंस नहीं बनता था यहाँ पर लॉन्च करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इससे बेटर पोको X4 प्रो 5G हमें देखने को मिल जाता है। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।